हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग कहूँ या गुड मॉर्निंग कहूँ, इट्स ऑलमोस्ट 1 AM इन द नाइट। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्मॉल एक्सरसाइज अबाउट द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आमतौर पर साइकिलिंग करते वक्त मैं कुछ ना कुछ नोटिस करता हूँ नया। जैसे कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ, एक रोड है यहाँ पे जिसका नाम है 30 जनवरी रोड। क्या आपने कभी सोचा है कि ये 30 जनवरी क्यों है? कई बार मन में ये सवाल उठा, परंतु कभी मैंने गौर नहीं फरमाया। फिर एक दिन अचानक पिताजी के साथ कौन बनेगा करोड़पति देखते वक्त एक सवाल आता है। सीजन 20 एपिसोड 3 में अमिताभ बच्चन जी पूछते हैं कि दिल्ली में ये 30 जनवरी रोड किस चीज पर आधारित है, और मैं ऐसे हक्का बक्का रह गया कि यार मैं तो सोच रहा था इसको पढ़ने के लिए, कि मैं जानना चाहता हूं, इच्छुक हूं। तो फिर मैंने पता लगाया कि 30 जनवरी रोड गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था, गांधी जी को मारा गया था, और उस रोड का नाम पहले एक मेक्सिको सिटी में एक शहर के नाम पर नाम था। वहाँ पे बिरला जी का गेस्ट हाउस था, जहाँ पे गांधी जी ने अपने जीवन के आखिरी 5 महीने बिताए। और फिर गांधी जी के जाने के बाद 1971 के आसपास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने के बिरला जी से वो ज़मीन खरीदी। काफ़ी हार्ड नेगोशिएशन हुई, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो ज़मीन चाहती थी, और बिरला जी, क्योंकि वो उनकी पैतृक संपत्ति थी, उनकी भी यादें जुड़ी हुई थी, वो बेचना नहीं चाहते थे। परंतु काफ़ी हार्ड बार्गेन में $5.4 मिलियन और 7 acres ऑफ अर्बन लैंड के एक्सचेंज में वो समझौता हुआ। कहते हैं कि जैसे वेस्ट में डेट डिवाइड हुई है BC AD बिफोर क्राइस्ट, वैसे इंडिया में समय और इतिहास ऐसे बटा है, बिफोर गांधी, ड्यूरिंग गांधी एंड आफ्टर गांधी। जब नेहरू जी ने अपनी पुस्तक लिखी, जिसमें पूरी वो इंडियन हिस्ट्री समझाते रहते हैं, तो उनका जो आखिरी वर्ग है डिस्कवरी ऑफ इंडिया का, तो वो उसमें कहते हैं एंड देन केम गांधी। और यहाँ तक कि रामचंद्र गुहा, जो एक बहुत प्रसिद्ध ऑथर हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है इंडिया आफ्टर गांधी। यहाँ तक कि जाने माने सांसद अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कई बार पार्लियामेंट में कहते हैं कि भारत की इतिहास में 3 ही ऐसे इवेंट हैं जो गलत हुए, और उसमें वो पहला इवेंट गांधी जी की डेथ को बताते हैं। मैं आज की वार्तालाप इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं गांधी जी कि डेथ पे एम्फेसिस कर रहा हूं, परंतु मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि नेचर में अपने आप इतनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, हम लोगों को केवल अपनी आंखें खोलकर चलना होता है। यह पहला इंसिडेंट नहीं था, और आप लोगों ने भी, मेरे को यकीन है, यह महसूस करा होगा कि कोई ना कोई आपको इवेंट लगता है कि आपने कहीं नोटिस करा है, परंतु हम करते नहीं क्योंकि हम मदहोशी के साथ जी रहे होते हैं। जिंदा हो तो जिंदा दिखो, यदि चल रहे हो तो चलो ही चलो, यदि खा रहे हो तो खाओ ही खाओ, यदि फोन पे बात कर रहे हो तो करो ही करो। इसे बीइंग अलाइव, जिसे इकरतो कोले कहते हैं, कि जो कर रहे हो उसमें इतने लीन हो जाओ कि ऑब्जर्व कर रहे हो। यहां तक कि ओशो ने भी कहा डू नथिंग। सो ये प्रैक्टिस मैं आजकल बहुत करने लग गया हूँ, क्योंकि नेचर में अपने आप इतनी इन्फॉर्मेशन, इतनी नॉलेज मदर नेचर देती है, एंड इट इज़ द इंस्पिरेशन ऑफ मेनी थिंग्स। कई सारी इतिहास की डिस्कवरीज मैं बार बार दोहराता हूँ, केवल ऑब्जर्वेशन से लोगों ने नेचर से पाई। एक छोटा सा किस्सा और मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। कुछ साल पहले मैं एक बार मेट्रो में जा रहा था, तो अचानक मेरे साइड में एक मान्यवर बैठे थे, तो मैंने उनसे कहा कि उनकी फाइल पर कुछ लिखा था जिससे मैं उनसे कनेक्ट हुआ, और बातों बातों में उनसे वार्तालाप होनी स्टार्ट हुई। तो उन्होंने मुझसे कहा, मयंक, तुम्हें पता है
नील आर्मस्ट्रॉन्ग को पहले क्यों चुना गया था चांद पे भेजने के लिए? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। उन्होंने कहा क्या उनके साथ जो दूसरा व्यक्ति चुना गया था वो कम होशियार था? मैंने कहा जब चुनना ही था तो होशियार और ना होशियार क्या, सबको एक दूसरे से बेहतर ही चुनेंगे। तो कह रहे केवल एक ऐसा गुण था जिस पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चुना गया और उनके मित्र को नहीं चुना गया चांद पे पहला कदम रखने के लिए। मैंने कहा क्या था वो? उन्हें कहा कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज अ वेरी पावरफुल ऑब्जर्वर। वो हर चीज को बहुत अच्छे ऑब्जर्व करते थे कि जैसे कल उन्होंने क्या पहना था उन्हें याद रहता था, और कल क्या खाया था, कल वो किससे मिले थे। आमतौर पर मैं और आप शायद कभी हम ये याद भी ना रख पाए कि हमने कल क्या पहना था क्या खाया था। और तो और आज के इस टाइम में जहां हमारा फोन का स्क्रीन टाइम 6-6, 7-7 घंटे एवरेज है, हमें ये नहीं पता हो रहा था कि कितनी सारी बातें हमारे सामने से रोडों से निकल गई होती हैं और हम बस अपने फोन में ही लगे रहते हैं। कहते हैं द फोन स्क्रीन इज बिकम मोर हार्मफुल देन अ न्यूक्लियर वेपन। तो आज के इतिहास में ये और जरूरी है कि कैसे हम जिंदा रहें और ऑब्जर्वेंट रहें। और अब मैं कुछ भी नोटिस करता हूं, जैसे कामाख्या निवास, जैसे जीवी पंत हॉस्पिटल, जैसे करुणानिधि मार्ग या कुछ भी, कामराज रोड, 3 मूर्ति लेन, तो इसके अलावा भी इतनी इंफॉर्मेशन है जो आमतौर पर हम अगर पढ़े तो शायद ना पढ़ पाए, केवल ऑब्जर्वेंट रहकर ही हम कर पाए। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। गुड नाइट।